ये देखें जी, रबाब अभी अभी स्कूल से आई और आते ही लेट गई है। तो रबाब आप क्या कह रही थी? मैंने कहा जरा अपने बहन भाइयों को भी सुनाऊं क्या कह रही थी, जरा दोबारा। मुझे भूख लगी तो आते जी इधर बैठ कर उसने मुझे यही बोला है, मामा जी मुझे भूख लगी, रोजा है तो मुझे भूख लगी। तो फिर कहती है नहीं मामा जी मैंने ना चिड़िया रोजा रखना है। मैं वो कहती है मामा जी उसमें खाना खा लेते हैं ना, तो इसलिए मैंने चिड़िया रोजा रखना है ना बाप। चलो खरीदो ना यूनिफॉर्म उतारो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। आप यहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो इस दिन एक दुआ के साथ याद कर लो करते हैं जी शुरू। तो आज है जी माशाल्लाह से जी दूसरा रोज़ा, तो इतना मज़े का गुजर है रात, तो ठंडा ठंडा हो गया रोज़ा। तो हम सारी टाइम रोज़ा रख के तो हम बिल्कुल भी नहीं सोए, बिल्कुल भी नहीं सोए। उठे सैर की, सैर के बाद कुरान पढ़ा, कुरान के बाद नमाज, नमाज के बाद क्योंकि मैं पहले कुरान पढ़ती थी फिर अजान थी फिर नमाज पढ़ती थी, तो पढ़ के फिर नींद सबके साथ खा पर बैठ के फिर रबाब का स्कूल का टाइम रबाब का स्कूल ले जा, और उसके बाद ही फिर हम काम पर बैठे। वो काम से भी फारग हो गए, जो बच्चों ने किया जैसे सफाई वगैरह बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया, और बाद स्कूल से आ गई है। तो यहाँ पर भी हमने लिए हैं जी ट्यूसडे, जिन मेरी जो है कैमरा मैन, इसको बहुत ही शौक है। बेचारे छोटे छोटे हैं, ये देखे जरा, ये देखे एक ब्लैक कलर, ये ना देसी है ना, और दूसरे जो है वो फार्मी है, दूसरे दिखाते हैं। तो आज भी रहमतों का महीना है, तो साथ ही अल्लाह ने भी अपनी रहमत पर शुरू कर दिया। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, तो आज भी आपको तो खाती हुई बात का मौसम कैसा है जी। और मैं दिन सबसे पहले दिन सब पहले दोस्त की बात कर रही थी, याद है जी बाहर जी क्या हाल है आपका? ठीक है, और ये बादल बना हुआ है, मौसम बहुत बहुत ही प्यारा मौसम है। और मज़े की मैं आपको बात बताऊं, नीचे ना हमारे फल वाली दुकान पर नज़र आ रही है। हाँ जी नज़र आ रही है। पहले कल भी ठंडा था रोजा, कल इतना महसूस नहीं था, आज तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। और बाप साहब बस स्कूल से आ कर तो बहुत तंग करती है, मैंने इसकी वीडियो कही आते साथ इसने क्या किया था मेरे साथ। अब अभी रिजोम की नमाज का भी टाइम हो गया, अजान हो गई है, मैं पहले फिर की नमाज कैसे ये तो सोने भी नहीं थी। तो पानी बहुत शौक हो पाया, टाइम हो गया जी 3 का, तो मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया इफ्तारी की तैयारी की। तो मैंने उबाले हैं जी आलू, आलू उबाल का तो आप उनका बता रही हूँ, मैंने छिलका बता रही हूँ। अगर जल्दी जल्दी जितना मर्जी जल्दी करें ना फिर भी लेट हो जाता जी इफ्तारी तक, रोज़ा खुलने तक। हर कल तो हम नहीं थे, जल्दी जल्दी हो गया था। मम्मा आज क्या बनेगा? हाँ जी बेटा जी आज हम बना रहे हैं जी दही भल्ले। हाँ जी, तो जी रुबाब मेरी कैमरामैन बनी हुई है, तो मेरा जो भला कैमरामैन है जी वो ना सो गया है, क्योंकि 3 बजे के सारी टाइम के उठे हुए थे, तो वो भी बेचारी काम पर लगी हुई थी। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी देर बेटा जब तक रोज़ा नहीं ना खुला थोड़ी देर तक ना सो जाए यार, तो मैं आपको ना 1 घंटा या आधा घंटा पहले जगा लूँगी। उन्होंने नमाज पढ़ी है और सो गई है जी, जोहर की नमाज पढ़ के ना, तो अब असर भी होगी तो मैं उन्हें जगा लूंगी। सारी चीजें मैंने तैयार करके आलू को मैंने काट लिया है जी, भल्ली मेरी अभी थोड़ी सी सख्त है, अभी मैंने मिक्स नहीं करी, मिक्स करके तो रख लेती। प्याज मैंने काटा है जब ही गर्म में जाएगा, टमाटर भी ले लिए
और ये हरी चटनी है धनिया की, हरी मिर्च की, और दही को मैंने अच्छी तरह से अभी मैश कर लिया है। और इधर पकौड़ों का सामान भी मैंने काट लिया, आलू पकौड़ों के लिए भी, और ये फिंगर चिप्स भी, क्योंकि बच्चों ने बोला था मामा जी साथ ये भी बनाए। और ये पालक है पकौड़ों के लिए। अब इसमें मैं बेसन का लगे नमक मिर्च डाल के तो मिक्स कर देती हूँ आपको। लाइट वालों का काम देखे जरा, लाइट अभी आई है तो फिर चलेगी काम करें। हमारी सारी चीजें तैयार हो गई है, कास लगाते हैं बच्चा मां तकरीबन 10 मिनट रह गए। माशाल्लाह सारी चीजें मैंने लगा दी हैं, और बाप अभी सपाला पर के नहीं आए, बेटा मेरा भी आ चुका है तो आज की अफ्तार में मैंने बनाए भी दही बड़े हैं, खजूर तो होती है हर रमजान में, खजूर लाजमी होती है, और फिंगर चिप्स बनाई है और पकौड़े बनाए। बाद में दोबारा फिर जिसने ले रहे होंगे दोबारा ले लेंगे। बड़ा प्यार आ रहा है। तो जी हम इफ्तारी लगा कर तो इंतज़ार कर रहे हैं, तो 5 मिनट रह गए हैं जी रोज़ा खुलने में। तो आज हमने जी जामे की भी ना टेस्ट दोनों में से कुछ भी नहीं लाया, क्योंकि आज इतनी गर्मी नहीं थी ना ही महसूस हुआ, प्याज महसूस नहीं थोड़ी, तो इसलिए पिया नहीं था जाना, कल भी बच्चों ने नहीं पिया था इसलिए हमने आज नहीं बनाया। बारिश पर नहीं बादल बना हुआ। हाँ जी आज मौसम ही ऐसा है। सब ने जी अच्छी तरह से खोल लिया है, अफ्तार का नमाज भी पढ़ ली है जी। तो मैं मुड़ने लगी थी आटा के इतने खाने, मुझे पता रात को भी आज हमने सालन नहीं बनाया, क्योंकि रात को हमारा सालन वैसे का वैसे ही करा हुआ था, और चावल बनाए थे वो भी वैसे के वैसे ही भरे हुए थे, लेकिन फिर भी मैं आटा गूंदने लगी हूँ, किसी ने रोटी खानी हो तो खा ली। मैंने पूछा तो कह दिया कि अभी भूख नहीं, लेकिन मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, अगर भूख हुई तो फिर खा लेंगे। माशाल्लाह तुम्हारे चावल भी ये देखिए इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, और भी उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये ज़रूर आए हमारे दूसरे रोज़े की अफ्तारी आपको कैसे लगी।